हाँ बच्चे चलो बातें। तो ये आज का जो नया सबक शुरू हो रहा है वो है सुबह की आमद। और इससे पहले जो आपको बताया गया अभी वो गुज़श्ता सबक का खुलासा और सवालात जवाबात जुमलों का इस्तेमाल और इस तरीके से इशारात और ये तमाम चीज़ें खाली जगहों को भरना जुमलों की तरतीब अल्फाज की जिद ये सब आपको बता दिया गया है जुबैदा खातून के दर्स में। और ये सबक खत्म हुआ अब नया सबक शुरू होने जा रहा है सुबह की आमद। सुबह की आमद सुबह के माने आप जानते हो और आमद के माने आना ये फारसी लफ्ज है आमद के माने आना। जैसे आप उर्दू में फारसी अल्फाज भी इस्तेमाल होते रहते हैं इसलिए यह है सुबह की आमद। यानी सुबह आती है तो क्या लेकर के आती है सुबह क्या कह रही है सुबह सुबह क्या कह रही है लोगों से जब वो सुबह सुबह आती है और जब रात खत्म हो जाती है और सुबह होती है तो सुबह जब होती है तो किन चीजों को लेकर के अपने साथ आती है वही इस शेर में बताया गया है। इसमें शायर ने कहा है कि सुबह क्या कह रही है सुबह कह रही है खबर दिन के आने की मैं ला रही हूं उजाला जमाने में फैला रही हूं बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूं पुकारे जले साफ चिल्ला रही हूं उठो सोने वालों की मैं आ रही हूं। इस पहले पैराग्राफ में सुबह ने क्या कहा खबर दिन की आने की मैं ला रही हूं यानी रात खत्म हो गई अब सुबह हुई तो मैं दिन की खबर ला रही हूं कि अब दिन होगा उजाला होगा और ये तमाम चीजें होंगी तो दिन की खबर ला रही है सुबह और ये बता रही है कि मैं अब दुनिया में उजाला फैलाने वाली हूं। सुबह बता रही है कि दुनिया में जमाने में उजाला की खबर मैं ला रही हूं कि पूरा पूरी दुनिया पूरा जमाना सब उजाला हो जाएगा मेरे आने से और मशरिक की बहार यानी पूरब से जब सूरज निकलता है और सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम होता है खूबसूरत मंजर होता है लोग टहलने निकलते हैं तो कह रही है सुबह की बहार अपनी मशरक से दिखला रही है मशरक यानी पूरब से देखो किस तरीके से बहार मौसम बेहतरीन मंजर है आप उसको देखो ये भी चीजें मैं ला रही हूं पुकारे जले साथ में चिल्ला रही हूं यानी मैं ये लोगों को बता रही हूं वाजह तौर से साफ तौर से मैं शोर करके चिल्ला करके बता रही हूं कि देखो सुबह हो गई है अब दिन में रोशनी होगी दिन निकलेगा उजाला होगा और तमाम चीजें सामने दिखेंगी और वो बेहतरीन मौसमी बहार भी दिखेगा और तमाम चीजें साफ सुथरा दिखेंगी और इंसान अपनी जरूरियात में मशगूल हो जाएगा। ये सब चीजों को लेकर मैं रहा हूं और इस पैराग्राफ के आखिर में कह रहा है शायर सुबह करे कि उठो सोने वालों की मैं आ रही हूं। सबसे बड़ी चीज जिस बात की सुबह आगाह कर रही है वो सोने वालों से असल चीज यही है कि उठो सोने वालों की मैं आ रही हूं यानी है सोने वालों रात गुजर चुकी है सुबह हो गई मैं आ रही हूं उठ जाओ अपने रब को याद कर लो नमाज पढ़ लो अपने अल्लाह को राजी कर लो उसके बाद फिर दुनिया के कामों में फैल जाओ उठे उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूं ये सुबह कह रही है। आगे क्या कह रही है इसमें आजा पर आजा मुर्ग देने लगा है खुशी से हर एक जानवर बोलता है दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूं। ये सुबह कह रही है कि देखो आजा पर आजा
जन्म देने लगा है। सुबह होती है तो मुर्ग माना सवार आवाज देता है। ये मुर्ग उस वक्त आवाज देता है कि जब फजर का वक्त होता है, यानी जब अजान का वक्त होता है। तो इधर लोग भी अजान, इंसान भी अजान देते हैं, तो मुर्ग भी अजान देता है, यानी आवाज देता है। और खुशी से हर एक जानवर बोलता है। तमाम जानवर जो रात में अपने सुराख में, अपने पेड़ों में और इस तरीके से जहां जहां अपने घोंसले में सोए हुए थे, अब सुबह हो गई तो सब धीरे धीरे अपनी आवाज निकाल रहे हैं, सब बोलना शुरू कर दे रहे हैं, सब अपनी अपनी आवाज से पूरे फिजा को बिल्कुल खुश कर रहे हैं। फिजा और बाग बगीचे और तमाम चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जब इनकी आवाज आती है। और यही नहीं बल्कि दरख्तों के ऊपर अजब चहचहाते परिंदे, दरख्तों पे बैठ करके चिड़िया चहचहाती हैं सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा मंजर लगता है। ये भी कह रहा है शायर कि सुबह ने जो कहा कि दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, यानी दरख्तों के ऊपर जब परिंदे चहचहाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अजीब लगता है, खुशी महसूस होती है। वो लोग जिनके घरों के पास पेड़ पौधे हैं वो जानते होंगे कि सुबह सुबह उसमें बैठ करके परिंदे किस तरीके से चहचहाते हैं, कोयल की आवाज़ और दिन परिंदों की आवाज़ आती है। सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, तो उस वक्त मौसम बहुत सुहाना होता है, ठंडी ठंडी भीनी भीनी हवाएं चलती हैं फजर के टाइम सुबह सुबह, और मंजर बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त आदमी को अपने घर से निकल करके ऐसे घूमना चाहिए, तो उस वक्त एक ऐसी हवा आती है जिस हवा के बारे में हकीमों का कहना है कि फजर के बाद जो हवा चलती है, अगर वो हवा इंसान के बदन को छू जाए तो इंशाल्लाह वो कभी बीमार नहीं होगा, उस हवा में इतनी तासीर है। उसी को कहते हैं सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ, वह कि सुबह सोने वालों को जगा रही है। आगे कह रही है हवा, सुबह कह रही है ये चिड़िया जो पेड़ों पे है गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के है आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फुराती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूं। कह रहा है शायर कि सुबह कह रही है कि ये चिड़िया है पेड़ों पे शोर मचा रही है, गुल माने शोर, हंगामा, चहचहा इसे कहते हैं। चिड़िया पेड़ों पे सुबह सुबह गुल मचाती हैं, शोर करती हैं, चहचहाती हैं, और इस डाली से उस डाली पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर उड़ उड़ करके आती हैं और जाती हैं। दुमों को यानी पूंछों को हिलाती हैं, परों को फड़फड़ाती हैं, फुलाती हैं सुबह सुबह, इसलिए कि रात भर सोई हुई हैं, अब सुबह हो गया, अब उनको अपने रोजी पे, रोजी की तलाश में निकलना है, अपना घोंसला छोड़ना है, तो वो भी तैयारी करती हैं, दुमों को हिलाती हैं, परों को फुलाती हैं, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। यानी सुबह कह रही है कि जो मैं आई हूँ, सुबह हुई है, तो सुबह सुबह जो चहचहाती हैं उनको गीत से ताबीर किया गया है कि मेरी आमद आमद यानी मेरे आने पे, सुबह होने पे वो अपने अपनी जुबान में अपने रब को याद करती हैं, गीत गाती हैं और इससे खुश होती हैं। और फिर आखिर में सुबह कह रही है उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो ये तीन पैराग्राफ हैं जिसमें सुबह की आमद के ताल्लुक से बातें बताई गई हैं कि जब सुबह होती है तो मौसम कैसे बदलता है, चिड़िया परिंदे मुर्ग और इस तरीके से तमाम जानवर किस तरीके से खुश हो जाते हैं और अपने रोजियों की तलाश में निकल जाते हैं, और उससे पहले वो अपने रब का नाम लेते हैं, अपने अपनी जुबान में अल्लाह की तारीफ और उसकी बड़ाई बयान करते हैं। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा है जो सबसे अच्छा है, लेकिन उस सुबह को सोता रहता है जहाँ तक कि सूरज निकल जाए और तमाम चीज़ों को बराए तक रखते हुए सो जाता है, न तो अपने रब को याद करता है, न तो सुबह की हवा पा सकता है और न तो अपने रब के नाम को लेता है, बल्कि सारे चरिंद परिंद दरिंद सब लोग अपने अपनी जुबान में, अपने अपनी भाषा में अपने रब का नाम लेते हैं। इसीलिए सुबह बार बार कह रही है उठो सोने वालों की मैं आ रही हूँ, कि ऐ इंसान या ऐ लोग, जितने भी लोग सोए हुए हो, सुबह हो गई है, अब नींद से बेदार हो जाओ, अब उजाला हो गया,
अपने रब को याद करो और अपने अपने कामों में लग जाओ। बाकी पैराग्राफ इंशाल्लाह हम आपको इसके बाद कल पढ़ाएंगे। इसी के साथ आज का यह सबक खत्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, चलो ठीक।